आपका नमस्ते। आत्मा आत्मा नमस्ते। नमस्ते आत्मा मैम। आत्मा नमस्ते। नमस्ते। आत्मा नमस्ते। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आत्मा नमस्ते अंशुदीप। नमस्ते। नमस्ते। कैसे नमस्ते सूरज जी, नमस्ते। कैसे हैं? हैं आप? सब मैं बढ़िया। आप सिंगापुर। लोग सब? मैं भी सिंगापुर हूँ। अच्छा 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 ओके। हाँ ओके। जी, बहुत चेहरे मेरे पहचाने हुए हैं और कुछ नए चेहरे हैं। परमात्मा नमस्ते। वाह, नमस्ते ऋतु जी। तो आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते प्रिया। श्री डोरा जी और मातिया जी को मैं पहली बार ही देख रही हूँ। तो आप पहले से गुरु जी ज्ञान से जुड़े हैं या आज पहली बार आए सर? पहले किया एक दो। अच्छा। और डोरा जी, आप अनम्यूट योर सेल्फ। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते देवकी जी। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। नमस्ते राधा जी, आत्मा नमस्ते। नमस्ते मैडम। आई एम स्टूडेंट ऑफ लामा फेरा। नमस्ते जी। अच्छा जी, थैंक यू बताने के लिए, क्योंकि आपको कभी देखा नहीं है क्लास में। नहीं, मैं आई मिस सो मेनी गीता क्लासेस मैडम। कोई बात नहीं। क्लास कर रहा हूँ मैम। मैं भी जुड़ा हूँ मैम। अच्छा जी, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का सबका। तो हम अपना रिचुअल पहले कर लेते हैं, जब तक बाकी लोग ज्वाइन होते हैं हमसे, हमारे साथ। तो दैट इज, कैसे हैं भल्ला जी? बहुत टाइम हो गया आपसे बात करे हुए। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, बस बिजी रहते हैं। कोई नहीं। चलिए, तो हम सबसे पहले अपना रिचुअल करते हैं, ठीक है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षः शांति पृथिवी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। ओ आप सबको मेरी नमस्ते। चलिए, तो यहाँ पूरे ग्रुप में कौन है जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं? अनिल सहगल जी, आप एकेडमी से तो जुड़े हुए हैं ना? हाँ, मतलब एकेडमी के में पहली बार आए हैं, हाँ ये जी, हाँ पूछने का जी, मतलब मेरा। आपके इस लेसन में पहली बार आया हूँ, लेकिन एकेडमी से जुड़ा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने आपका नाम कई जगह पढ़ा है। हाँ हाँ जी जी, मैम। और जुड़ने दीजिए लोग। हाँ जी अल्फा जी। जी मैम, एक्चुअली मैं वेरी फर्स्ट फर्स्ट ये पता नहीं। अच्छा, आप एकेडमी में पहली बार आए हो? नहीं, एकेडमी तो मैं हूँ, रेकी की हूँ, और अच्छा, अभी वेरी नाइस। आपकी ये फर्स्ट हीलिंग सेशन। पता नहीं कौन सी हीलिंग, बस ज्वाइन कर लिया। तो यही तो जानना है ना, आज कौन सी हीलिंग है, आज किस लेवल पे हम जाएंगे, राइट? हाँ जी, वेरी नाइस। हाँ जी,
तो चलिए, तो आप लोगों को एक बात बताइए मुझे कि आप लोग जो हीलिंग है हमारा उसका नाम है, एक सेकेंड प्लीज, आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। हाँ जी, आई एम बैक, सॉरी, सब चीजें देखनी पड़ती हैं। एनीवेज, हाँ जी, तो आज की जो क्लास है उसका मेन टॉपिक क्या है, किसी को याद है? आप क्या पढ़ के आए हैं? चक्रा हीलिंग। चक्रा हीलिंग। और टॉपिक क्या है? ये तो आपने सब टॉपिक्स बता दिए, मेन टॉपिक क्या था? यूनिवर्सल हीलिंग फायर है मैम, यूनिवर्सल हाँ जी, हीलिंग यूनिवर्सल हीलिंग फायर यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। बाय लाइफ फोर्स। यूनिवर्सल हीलिंग बाय लाइफ फोर्स, आप सोचिए उसका नाम ही कितना बड़ा है। इट इज यूनिवर्सल, कि यूनिवर्स से जो हमको लाइफ फोर्स मिलती है उसके थ्रू जब आप हीलिंग करते हो तो दैट इज रेकी, काउंटेड एज अनलिमिटेड, राइट? दैट इज रेकी। यूनिवर्सल नहीं, जरूरी नहीं है। लाइफ फोर्स इज रेकी। एंड व्हाट यू विल कॉल अबाउट फॉर लामा फेरा, हुंकारा और ये जो बाकी की हीलिंग्स मोडेलिटी, हीलिंग मोडेलिटीज हैं, आप उनको क्या बोलोगे फिर? ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, अब अच्छा हुआ एक्चुअली आपने ये पूछा या ये बात, ये टॉपिक छेड़ा, बिकॉज आई वुड रियली लाइक टू टेल एवरी वन समथिंग अबाउट दिस। देखिए, हमारे वैदिक पद्धति में या जो हमारे वेद हैं उनमें हर तरह की हीलिंग्स का प्रावधान है या बताई गई, ठीक है? आप लोगों ने, सबने शाल्विक ऋषि का नाम सुना यस है ना? तो मैम, चाहे ऋषि के सिंबल्स हों, चाहे आपके लामा फेरा के हों, हुंकारा के हों, आपके शाल्विक हो, ग्रैंड मास्टर, एनीथिंग, योग माया, किसी भी तरह के कोई भी अगर सिंबॉलिक हीलिंग है तो वो ऋषि शाल्विक की देन है। ही इज द सोर्स। उन्होंने कुछ मंत्रास डिजाइन करे, इट इज एक्चुअली 450 मंत्रास हैं, यंत्रास हैं, आई वुड से कुछ यंत्र उन्होंने बनाए 450, जिसमें से 100 आज भी गोपनीय है, आज भी किसी को पता नहीं है क्या है। 350 ओपन हुए हैं, जिनमें से ये जितनी भी हमारे ये जो आप सिंबल्स देखते हैं ना, ये सब वहीं से आए हुए हैं। वो 350 जो यंत्रास बनाए हैं ना उन्होंने, उसी में से लिए, ठीक है? और ये यंत्रास हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यंत्रास वो होते हैं, किसी भी डायग्राम को अगर आप उसके अंदर मंत्रों की शक्तियां डाल देते हैं तो वो एक यंत्र बन जाता है, वो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम करने लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं ओम बना दिया। जी सूरज जी, आपने ओम बनाया तो हम इमिडिएटली, हमारा कनेक्शन कहाँ हो जाता है? स्पिरिचुअलिटी से, कोई भी पवित्र चीज से हम कनेक्ट कर लेते हैं। सत्या बनाते, कोई भी नई चीज आती है तो हम सत्या बना देते हैं, क्यों? ताकि वो ग्रोथ के लिए को रिप्रेजेंट करता है, आगे की पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से जितने भी सिंबल्स होते हैं वो किसी ना किसी मतलब से होते, ठीक है? तो लाइफ फोर्स मतलब ब्रेथ, आपका जो सांस है, जो एयर है, दैट इज योर लाइफ सोर्स, लाइफ फोर्स, जिसको हम प्राणा बोलते हैं, जो सबके पास है, कहते ना फ्री में मिली है, राइट? तो ये जो लाइफ फोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप सोचो, इसी सिर्फ ब्रेथ वर्क से अगर आप अपनी हीलिंग कर सको डे टू डे लाइफ में, और ये ब्रेथ और ये जो हीलिंग का प्रोसेस है वो हम कहाँ से ले रहे हैं? यूनिवर्स से।
डायरेक्ट वहां से कनेक्शन करके हम उस लाइफ फोर्स को, हम उस ब्रेथ वर्क को, या फिर हम उसकी एनर्जीज को लेकर और अपनी हीलिंग कर रहे हैं। यही सारे सिंबल्स में हम डालते हैं और आगे हीलिंग करते हैं, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ कोई सिंबल्स नहीं, विदाउट सिंबल्स। हाउ इज दैट, फाइन, है ना, नाइस। एकदम डायरेक्ट, बीच में कोई मंत्र यंत्र कुछ नहीं, चलेगा ना? दौड़ेगा। चलिए ग्रेट। तो अब उससे पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऑरा चक्रा सबको पता है आई थिंक सो, यहाँ जितने भी आए हैं उन सबको ऑरास और चक्रास के बारे में पता होगा, है ना? ये एक बार बता दिया जाए। प्लीज चलिए तो हम शुरू करते हैं। ज्योति जी आप बहुत आगे के लेवल पे जा रहे हो, अभी हम थोड़ा स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी ये किन किन चीजों पे वर्क करेगा, जस्ट हैव सम पेशेंस, ठीक है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? जस्ट कंफर्म कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर। जब भी हम कभी इस टाइप की हीलिंग्स करते हैं, इस टाइप की क्या, किसी भी तरह की, हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें भगवान का आह्वान करना, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, राइट? भगवान का आह्वान करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी का आह्वान करते हैं। उसी तरह से जब हम यूनिवर्सल एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं या उनको लेते हैं, रिसीव करना है, तो सबसे पहले उन्हें जागृत भी तो करना पड़ेगा ना, तो हम इसको कहते हैं इन्वोकेशन। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, हम सबसे पहले इन्वोक करते हैं एनर्जीज को, फिर उनको अपने अंदर लेते हैं और फिर उनके थ्रू हीलिंग्स करते हैं। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है? ये हम जब करेंगे एक्चुअल प्रोसेस तब इसको करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, हमारा जो ऑरा होता है और हमारा क्या होता है, स्क्रीन चल रही है, चलने दीजिए, बट आप थोड़ा सा मुझे सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हर इंसान की एक बॉडी होती है एंड इट इज लाइक इन एन अंडाकार शेप, है ना, ओवल शेप में। अगर हम इस तरह से देखें तो कंप्लीट ओवल शेप में एक इंसान की बॉडी आ जाती है, आती है, राइट? अब ये जो हमारा जो बॉडी होती है, जो स्किन होती है, इससे राउंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर या 2.25 सेंट वो ले लीजिए फीट, दैट इज 2.25 फीट के करीब हमारा ऑरा लास्ट होता है, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको बाइफर्केट करूं 5 पॉइंट्स में तो कितना हो गया, अप्रोक्स समथिंग, आप अगर 0.5 0.5 0.5 भी कर सकते हो इसको एक अंदाज से, या उससे थोड़ा सा कम, 10 10 पॉइंट कम कर लीजिए, ठीक है? तो हर एक ऑरा हमारा, एक तरह से कहा जाता है कि 5 हमारे आसपास सर्कल्स, ओके? तो ये जो 5 सर्कल्स होते हैं इनमें रेनबो कलर्स होते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है? उसके अलावा एक ऑरा होता है, जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास से कोई चला गया तो हमको एकदम से फीलिंग आ जाती है क्योंकि वो हमारे ऑरा को टच करता है। उसी तरह से हमारे चक्रास होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। मैं देखती हूँ, मैंने एक्चुअली वो स्क्रीन हटा दिया था, सो अदरवाइज जिसमें ऑलरेडी ये सारे ऑरा और चक्रास के बारे में डिटेलिंग है। जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, आई एम सो सॉरी फॉर दिस।
ओके यहाँ देखिएगा, आपको सबको एक स्क्रीन दिख रहा होगा आपके सामने, जिसमें ऑरा के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। एक्चुअली लाइफ फोर्स जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ आप लोगों से, कि हम जो हीलिंग प्रोसेस करेंगे यूनिवर्सल का, या यूनिवर्स से जो हम एनर्जीज लेंगे, वो कैसे आपकी बॉडी में एंटर होंगी, सबसे पहले हम उस चीज को क्रैक करते हैं। ठीक है, तो ऑरा होता है हमारा, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है जिसमें अनहेल्दी और हेल्दी ऑरा है। स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। ये जो है हमारा, आप देख रहे हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर एक ऑरा बना हुआ है एक इंसान के आसपास। ये इस टाइप का ऑरा हमारा होता है। ये मशीन के द्वारा दिया गया एक फोटो है। जब रीडिंग होती है तो इस टाइप से पिक्चर आती है। अब अगर जो है अनहेल्दी ऑरा होता है, वो इसके पास दिया हुआ है, आप देखेंगे टूटा फूटा सा है, और जो हेल्दी ऑरा है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ऑरा, आप थोड़ा सा समझने के लिए इस चीज को, कि हमारा ऑरा किस तरह का होता है। हम इसकी और ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। चक्रास, चक्रास क्या होते हैं? 7 चक्रास हैं, ये हम सबको पता है। अलग अलग मोडालिटीज में अलग अलग और ऐड होते जाते हैं चक्रास। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक आइडिया होगा ऑलरेडी, जैसे यहाँ ये रूट चक्रा है, सबसे नीचे रूट होता है, उससे ऊपर सेक्रल होता है, उसके ऊपर सोलर प्लेक्सिस है, फिर हार्ट है, देन योर थ्रोट, देन थर्ड आई एंड क्राउन। हार्ट चक्रा मिडिल में होता है, उसके ऊपर 3 होते हैं और बीच और नीचे 3 होते हैं। और जब ये ऊपर के 3 और नीचे के 3 जब बैलेंस हो जाते हैं, तो आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो, वो बैलेंस करता है दोनों चक्रास को, दोनों साइड के चक्रास को, मतलब ऊपर के और नीचे के। इनकी प्लेसमेंट्स इस तरह से होती है, ये आप देख लें। रूट चक्रा, जिसको मूलाधार भी कहा जाता है, सबसे नीचे होता है, जहां हम बैठते हैं, जो हमारी सीट होती है, जो टच होती है, वहां पर हमारा मूलाधार चक्रा होता है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान होता है, ठीक है, नाभि से 3 इंच नीचे, सॉरी 2 इंच नीचे। सोलर प्लेक्सिस नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। फिर हार्ट चक्रा यहाँ मिडिल में होता है, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा यहाँ होता है। क्राउन चक्रा दोनों आईब्रोज के बीच में थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, जहां हम बिंदी लगाते हैं। और क्राउन चक्रा जो है वो ऊपर होता है, लेकिन हमारी स्किन से टच नहीं होता है, हमारे हेड से टच नहीं होता है, हमारे हेड से थोड़ा सा ऊपर होता है। क्लियर है? तो ये इसकी प्लेसमेंट्स होती है। अब आपको ये सब बताने का एक मतलब है, क्योंकि आज मैं आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रही हूं, दैट इज कोशास। हमें ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अगेन आई स्टॉप द शेयर। ये जब हम कोर्स करेंगे तब मैं आपको इसमें डिटेलिंग, ऑरा चक्रा का सब डिटेलिंग आएगा, बट वो बाद में आएगा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। सो प्लीज एंजॉय इट, समथिंग न्यू। आप लोगों ने कोशास के बारे में सुना यस मैडम, अन्ना है ना? मया प्राण मया मनो मया हाँ, विज्ञान ये तो मया। 3 हो गए जी। तो हमारे जो कोशाज होते हैं वो हमारी बॉडी के आसपास होते हैं, चारों तरफ होते हैं। अब उसको आप देखिए कौन से होते हैं। एक पिक्चर मैंने आपको बता दिया है, इसकी हम डिटेलिंग बाद में करेंगे। एक छोटा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो अन्नमय कोशा होता है, अन्नमय कोशा जो होता है वो कहाँ होना चाहिए? जस्ट आपकी बॉडी के से चिपका हुआ ही होना चाहिए ना, बिकॉज वहीं से तो अन्न जाएगा, तो दिखेगा कि आपने कुछ खाया पिया है, उसका ऑरा इमिडिएटली वहीं पर आपको दिख जाएगा, है ना? तो अन्नमय कोशा जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी है।
ये हम जो खाना खाते हैं उसके हिसाब से उसका ऑरा बनता है, उसका कलर बनता है, वो उसके अंदर कितनी डिप्लीशंस हैं, कितना ओवर पार हो रहा है हमारा मोटापा, हमारी स्लिमनेस, सब इसके ऊपर डिपेंड करती है। दिखने वाली फिजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं हमारी लाइफ, दिखने के फिजिकल बॉडी के। उसके बाद आता है प्राणमय कोशा, जिसको हम ब्रेथ बॉडी कहते हैं। ब्रेथ बॉडी हमारी प्राणमय कोशा के बाहर की तरफ होती है। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये ब्रेथ लेता है, सिकुड़ता है और बड़ा होता है। ओके इसके अंदर हमारी 72 नाड़ीज इफेक्ट करती है। इसमें चक्रा, साउंड, ये सब चीजें इसके अंदर स्टोर्ड हैं एक तरह से, कि जो भी हम अंदर ले रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो इसका वाइब्रेशन कहाँ तक जा रहा है, हमारे सेकंड पॉइंट तक, ब्रेथ, ये फिजिकल बॉडी के बाद वाले लेयर में जाए। ठीक है, इसके बाद आता है मनोमय कोशा, जो हमारी इमोशनल बॉडी होती है, जहां पर एडिक्शंस, फियर्स और एंटिटीज अटैक करती है। क्लियर है? प्लीज, जिसका भी अनम्यूटेड है प्लीज म्यूट कर लीजिए। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोशा, जो हमारी इंटेलेक्ट बॉडी होती है, जहां पर हमारे ऑर्गन्स, जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, जहां हमारा इंटेलेक्ट होता है, नॉलेज होती है, वो वहां पर रिप्रेजेंट होती है, वो वहां पर स्टोर होती है जाके। इसके बाद आता है आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा इज द अल्टीमेट कोशा, जहां पर स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो जाते हो। स्पिरिचुअल बॉडी कहा जाता है इसको, ब्लिस बॉडी कहा जाता है। आपके कार्मिक रिकॉर्ड्स और आपकी डेस्टिनी सब इसके अंदर स्टोर्ड होती है। और मजे की बात यह है कि ये सब हमारे बॉडी के आसपास ही होता है। सो समथिंग न्यू, यस मैम, अभी तो यहां हमने सिर्फ एक छोटा सा, एक इसको कहते ना, हमने छेड़ा है टॉपिक अभी। इसके बाद जब हम इसके डीप डेप्थ में जाएंगे, फिर इसके बाद इसकी लेयर्स को हम क्लीन करते हैं, और जब हम इसकी लेयर्स को क्लीन करते हैं, उसके बाद उनको एनर्जाइज भी करेंगे। एनर्जाइज करने के बाद फिर आपको अपने अंदर चेंजेस दिखने शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये एक नई चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। इसको हम, इनके कुछ बीज मंत्रास होते हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे इसमें आगे कोर्स में। अब उन यार अगेन या थैंक यू, अपने आप म्यूट करने के लिए। सो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप बात करें, नहीं तो फिर मैं आगे इसके थोड़ा सा और आप लोगों का टाइम लेना चाहूंगी। यस मैम, मैम ये जो पंचकोश आपने बताया है इसको जैसे हम हील करेंगे जैसे आपने बताया, तो इसको हील करने से हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे? ये जो आपने अभी डिस्क्राइब किया कि कार्मिक रिकॉर्ड्स इसमें होते हैं, ये सब कुछ हील होगा? देखिए, आपकी सबसे पहले एक चीज आप थंब रूल समझ लीजिए, आप किसी भी चीज को हील करना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो आपके पास इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। आप किस चीज को हील करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, उसकी वास्तविकता जो है, उसका जो सोर्स है, उसका जो कोर है, रीजन, वो आपको पहले फाइंड आउट करना है। ऐसे नहीं कि अभी जी यहाँ पर मैम, जैसे मैंने आनंदमय कोशा में कहा कि आपके जो कार्मिक रिकॉर्ड्स हैं वो वहां स्टोर होते हैं, है ना, तो आप बोलो कि मेरे कार्मिक रिकॉर्ड्स हील कर दो। अब मैं कार्मिक रिकॉर्ड्स अगर आपके हील करूं, या आपको बोलूं करने को, या मैं आपको सिखा दूं, तो आप क्या चाहते हो अपने कार्मिक रिकॉर्ड्स में हील होना, दैट यू शुड नो, ठीक है मैम। राइट? तो सबसे पहले मेरा एक ही थंब रूल होता है हमेशा, हर मोडालिटी पे, हर हीलिंग पे, कि कोई भी, अगर आपको, आप ऐसे किसी भी चीज, किसी चैलेंज को फेस कर रहे हो लाइफ में, अगर किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के, तो सबसे पहले उसके कोर इश्यू को ढूंढो। जब आप उसके कोर इश्यू तक पहुंच जाते हो ना, उसके बाद ही आप उसका प्रॉपर सॉल्यूशन और राइट पाथ चूज कर पाते हो। और यही हमें भगवान बुद्धा भी सिखाते हैं, उनके लाइफ पाथ्स यही हैं, है ना। कोर इश्यू पे जाओ, वहां पर उसको समझो, क्या है आपने एक्वायर किया है या किसी, आपका ऑलरेडी खुद का बनाया हुआ है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
अभी इन जनरल सब लोग बोलते हैं कि भाई हमको फाइनेंशियल इश्यूज है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि पैसा नहीं है, हमें पैसा चाहिए और चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, ये सब आप लोग बोलते हैं कि नहीं? प्लीज इंटरेक्टिव सेशन है, अपनी बातें बोल सकते हैं, मैडम अनम्यूट एक करके आप बात डाउट, कर सकते मैडम हैं। एक हाँ जी डाउट, एक मिनट, नाम मैडम बोल के बोलेंगे प्लीज, क्योंकि स्क्रीन चल रहा है ना तो सब ऊपर राधा, नीचे शक्ल हो रहा है। राधा वाराणसी स्पीकिंग मैडम। हाँ जी मैडम कैन बोलो। वी विद दिस हीलिंग कैन वी हील द एडिक्शंस एंड फियर्स ऑफ अदर्स? पहले अपने ऊपर काम करें फिर दूसरों पे काम करें, कर ओके सकते ओके हैं, कर सकते ओके हैं, उसकी हीलिंग्स भी, डिस्टेंस हीलिंग्स भी होती हैं इसमें, ठीक ओके है। लेकिन आई प्रेफर कि आप पहले अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर असर तो देखो उन चीजों का, श्योर महसूस तो श्योर करो उन चीजों को, है ना? ओके मैडम, थैंक यू। हाँ जी, तो और कोई कुछ पूछ रहा था, वो बीच में कट गई थी आवाज, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। नहीं, ठीक है। तो ये पंचकोश, आपको एक आइडिया हो गया ओवरऑल कि किस तरह से हमारे बॉडी के आसपास होते हैं और किन किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है इनमें, है ना? तो चलिए आपको एक चीज और बता देते हैं। आप जानते हैं सांस लेने के तरीके होते हैं, आजकल बहुत चल रहा होगा इंटरनेट पे भी, आप लोग देख रहे होंगे ब्रेथ वर्क, इसके बड़े बड़े कोर्सेस चल रहे हैं। आप में से कौन कौन प्रॉपरली तरीके से ब्रेथ वर्क करता है डेली बेसिस पर? मैम मैं हाँ करती जी, हूँ, ऋतु जी करती हैं, और डेली बेसिस पर ब्रेथ मैम आपने ही सिखाया है ना। वर्क? नहीं, वो आपके, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही थी, नाम नहीं लेना चाह रही थी, मैं बाकियों से पूछ रही हूँ आप में से कौन कौन करता है ब्रेथ वर्क डेली बेसिस पर। भावना रायचा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप करते हो, उसके लिए आपने हाथ या उठाया आई है? ओके डू इट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, या ओके, तो प्लीज हाथ नीचे कर लीजिए, वो क्वेश्चंस के लिए होता है। एनी वन एल्स? भावना जी, ऋतु जी, इनके अलावा कोई भी ब्रेथ वर्क नहीं करता है? सीरियसली? आई डू प्राणायाम। नो मैम, नो नो, डू? हमें नहीं नहीं पता, पता, तो मैं तो चलिए जानता थोड़ा ही सा नहीं इसमें। उसके हाँ जी, बारे में, मैं तो जानता ही नहीं उसके बारे में। ब्रेथ वर्क के बारे में आप नहीं जानते हैं? तो नहीं, बिल्कुल जानता ही नहीं। चलिए एक काम करते हैं, स्वर विज्ञान के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये जो आप बताए ना उसके बारे में नहीं जानता हूँ मैं। जब ब्रेथ वर्क के बारे में नहीं जानते, एक काम करें, अपना मुंह बंद करें, नाक बंद करें, ब्रेथ समझ आएगी क्या होती है। क्या फिर से बोले नाक बंद कीजिए और मुंह बंद कीजिए मैम? हाँ 30 सेकेंड्स के लिए, तो आपको पता चलेगा ब्रेथ क्या होती है और उसके ऊपर वर्क करना क्या होता है। सी, अच्छा, ओके इट शुड बी समथिंग कि कुछ अलग होना चाहिए ना, सबके चेहरे देखो खिल गए एकदम से, सब ऐसे बैठे हुए थे। चलिए एनीवेज, अच्छा चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको ब्रेथ वर्क का महत्व बताना बताना चाहूंगी सबको, है ना? हम सब लोग थोड़ा सा बॉडी को हिला लीजिए, क्योंकि मुझे पता है ठंड है तो सब लोग गरम गरम कपड़े पहन के बैठे हैं, मन नहीं हो रहा है हिलने का बिल्कुल भी, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा हाथों पैरों को ऊपर नीचे कर लीजिए, गर्दन को ऊपर नीचे कर लीजिए, ठीक है? ओके, जस्ट फॉलो मी, ओके? सब लोग ओम चैंटिंग करेंगे, ओके? एक मिनट, एक मिनट, पहले पहले सुन तो लीजिए कैसे करनी है। आप जब ओम बोल रहे हो ना, ठीक है, तो आप देखोगे आप कितनी देर बोल पाते हो, या तो आप घड़ी ले लो, सामने घड़ी देख लो, या आप मोबाइल पे देख लो, अलार्म लगा लो, व्हाट एवर यू वॉन्ट, आपको अपना ओम चैंटिंग का जो टाइम पीरियड है वो नोट करना है, ठीक है? सब लोग कीजिए, ओम या फिर आ ओ म, जो भी आप लोग करना चाहें। आ
कर लिया, सबने अपने सेकंड्स नोट कर लिए। कितनी देर तक आप ओम बोल पा रहे हो? हाँ डालो ना, आप चैट पे डालो ना, सब अपने अपने डालो, ताकि एक रिमाइंडर रहे कि हमने इतना सेकंड किया, इतना लंबा हमारा ड्यूरेशन रहा। डालिए सब लोग चैट पे डालिए। मैं प्रवीण जी, रितु जी और जो और है ना, इनको थोड़ा सा अलग हटा दूंगी अभी। मुझे पता है कौन कौन करता है, तो उनके सेकंड्स मुझे दिख रहे हैं। अपने आपको फोर्स नहीं करना हो इसमें कि देखो मैं इतना लंबा, आपसे जितना हो रहा है उतना ही करना है, क्योंकि यहाँ हम कुछ सीखने बैठे हैं। यहाँ कोई एक बहुत अच्छी सी चीज आपको मैं बताने वाली। मैं ये डेली करता हूँ, लगभग 45 सेकंड तक, तो उससे ज्यादा ही हो जाता है। वेरी नाइस प्रमोद जी, क्योंकि आपने अभी कुछ कहा था कि आप कुछ करते हो, क्या आपने बताया था? सॉरी आई मिस्ड, जी आपने कुछ कहा था। आप क्या कर रहे हो रे? कुछ मैं किस फील्ड में हो सर? ओम का चैंटिंग मैं कंटिन्यू करता हूँ, और हाँ सार हाँ मतलब ब्रीथ वर्क जो बोले ना वो मैं समझा नहीं था, वो तो मैं करता हूँ लगभग। अभी पूजा करने के टाइम में जो प्राणायाम होता है ना, वो ज्यादा तक रोक करके ही करता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी आप अपना, सबके अपने अपने सेकंड्स मेरे ख्याल से सबके हो गए होंगे अभी। ठीक है, तो चलिए अब आप मेरे साथ थोड़ा सा एक ब्रेथ वर्क का एक्सपेरिमेंट करेंगे। आंखें बंद करेंगे, जिनके स्पेक्स हैं वो हटा सकते हैं, साइड में रख लीजिए। कंधों को पीछे की तरफ खींचेंगे, आपकी स्पाइन अपने आप सीधी हो जाएगी, उसमें भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने हाथों को पैरों को खोल के रखेंगे, कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, ना हाथ ना पैर। और मालूम है ठंड है तो मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन जो भी जमीन पे पैर रख सकता है, कारपेट के ऊपर, वॉट एवर, वो रखिए, वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो सब लोग अपने स्पेक्स हटा दीजिए, आंखें बंद कीजिए। अब आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस लेके हम काउंटिंग पर, ठीक है? तो अभी जैसे बिगनर्स की तरह मैं आप लोगों के साथ काम करूंगी, तो हम 5 काउंट करेंगे। तो जब मैं 5 तक काउंट करूंगी, तब तक आपको सांस लेते रहना है, रोकना नहीं है। फिर जब मैं बोलूंगी आपको पॉज, तो पॉज लेना है, सॉरी स्टिल बोलूंगी, तो स्टिल में आपको नाभि में अपनी सांस लेके जानी है, वहां रोकना है उतने काउंट तक, ठीक है? और फिर जब मैं बोलूंगी रिलीज, तो आपको सांस उतने नंबर तक रिलीज करनी है कंटिन्यूअस, और फिर पॉज होगा तो सांस नहीं लेनी है, फिर सांस लेनी है। ऐसे हम 3 बार करेंगे। ओके, सबको समझ आया? ठीक यस है, चलिए ग्रेट। तो सब लोग सांस लेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, छोड़ना नहीं है। 4, 5, अभी पेट में रोक के रखो उसको। 1, 2, 3, 4, 5, अब धीरे धीरे रिलीज करना है काउंटिंग पे। 1, 2, 3, 4, 5, पॉज, अब कोई सांस नहीं लेगा। 1, 2, 3, 4, अब फिर से सांस लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज। 1, 2, 3, 4, 5, पॉज। 1, 2, 3, 4, फिर से सांस लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, पॉज। 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स रिलीज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पॉज। अब आप अपनी सांस को नॉर्मल कर लीजिए, जैसे आप लेते हैं वैसे लीजिए। अब आप बताएं सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ हुई आप लोगों को, एक एक करके बताइएगा। मैम सांस लेने में, आपको सांस लेने में हुई, सांस छोड़ के उसके बाद रोकने में, सांस छोड़ के रोकने में सांस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लेके छोड़ने में ही है, छोड़ने का टाइम ही है। छोड़ने में, है ना। जिनको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई इसका मतलब आप लोग लंबा लेते हो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको हुई है इसका मतलब वो ब्रेथ वर्क बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, छोड़ने के टाइम फटाफट छोड़ा जा रहा था, मतलब बहुत लेकिन धीरे नहीं धीरे छोड़ना लेना था, था। वहीं हाँ नहीं, पर छोड़ने वहीं के लेना टाइम है। से प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ हाँ जी, ठीक है ना, ओके। सो इस तरह से जब हम सांस लेते हैं, अब आप ओम बोलिए फिर से, और अब अपने सेकंड्स नोट कीजिए। ये एक्चुअली हमने सिर्फ 3 बार किया है, इसको हमको कम से कम 11 बार करेंगे तब जाके थोड़ा असर ज्यादा आएगा, बट लेकिन अभी भी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। करें सबने सेकंड्स नोट फिर से। बड़े हैं या घटे हैं? मेरा तो अभी घट घट अभी कट गया गए ना, मेरा हाँ कट घट गए, वेरी नाइस गया मैम, मैम, मेरा भी कम हो गया। हाँ हाँ वेरी नाइस, मुझे चाहिए था कि सबके कम हो इसमें। अब उसका रीजन मैं बताती हूँ, बिकॉज हम लोग एफर्ट ले रहे थे सांस लेने में। 15 से 18 हो गया मिथिलेश जी का, मेरा तो 10 हो गया, 13 से। अब आप ये देखो जो लोग ब्रेथ वर्क नहीं करते हैं, जो तरीके से सांस नहीं लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल कितना कम हो जाता है। जो लोग प्रॉपर इस चीज को फॉलो करते हैं, अभी हमने सिर्फ 3 बार ही लिया है, अब आप इसी सेम प्रोसेस को 11 बार करके देखो और फिर सेकंड्स काउंट करोगे आपके बढ़ जाएंगे। तो ये आपको ये बताता है कि हमारा ब्रेथ वर्क जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, जो हमारी लाइफ फोर्स है, जो प्राणा है, जो हम अंदर लेते हैं, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है नेचर से, यूनिवर्स से, उसको भी हम प्रॉपर तरीके से अपने शरीर में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जब ये लाइफ फोर्स जो है जब हमारे अंदर तरीके से आता है तो हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, और फिर जब हमारे एनर्जी हमारे अंदर अच्छी तरीके से आती है तो किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं होता है, कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, ओके, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जिनको भी सांस का प्रॉब्लम है आप उनसे ये एक्सरसाइज करवा के देख लो, इससे आपकी इम्यूनिटी पता चलती है, और जैसे ही आप इस चीज को के बाहर आ जाते हो, इन प्रॉब्लम्स के बाहर आते हो, प्रॉब्लम्स नहीं बोलना चाहिए, चैलेंजेस बोलना चाहिए इनको, कि इन चैलेंजेस के जैसे ही आप बाहर आते हो, आपके आधे से ज्यादा जो भी आप चीजों को फेस कर रहे हो वो खत्म हो जाती है, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज हो, चाहे लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हमसे विजुअलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीजें आप जब करना शुरू करेंगे ये सारी चीजें स्मूथली होनी शुरू हो जाएंगी। अब लाइफ फोर्स, यूनिवर्सल हीलिंग विथ लाइफ फोर्स, और इस चीज का क्या रिलेशन है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक तो कुछ अलग है, नाम से बहुत अलग लग रहा है, और मैं यहाँ ब्रेथ वर्क करा रही हूँ आप लोगों के साथ, तो दोनों में कुछ तो रिलेशन होगा, प्राणा है ना। ही इज लाइफ एनर्जी, हाँ प्राणा ही जी इज ब्रीथिंग।
ब्रीथिंग इज इटसेल्फ प्राणा एनर्जी। यस, दे आर कोरिलेटेड। जब आप सांस भरते हो अंदर, तो आपका ध्यान अगर सांस के ऊपर है तो आप बाकी सब चीजों से अलग हो जाते, डिस्कनेक्ट हो जाते। लेकिन जब ये चीज आपके अंदर स्मूथली आने लगेगी, तो आप बाहर बाकी चीजों पे ध्यान देने लगोगे। ठीक है, जब हम ब्रेथ के थ्रू जब हम रोकते हैं सांस को, तो हमारे सारे ऑर्गन्स, जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो सब पे सांस जाने लगती है, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिसको हम प्राणा एनर्जीज कहते हैं, लाइफ फोर्स कहते हैं, वो हमारे ऑर्गन्स में जाती है। हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना, जब हम सांस ले रहे हैं तो सिर्फ यहीं तक सांस लेके छोड़ देते हैं, सीने तक सांस लिया हो गया, कभी कोई पेट तक सांस नहीं लेता। लेकिन एक्चुअल में अगर योगा में अगर हम देखेंगे, तो वो नाभि तक आपको सांस लेके जानी है अपनी, तब जाके आपके ऑर्गन्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, जो वहां पर नेगेटिविटीज आती हैं, जो भी आप लोग फेस करते हो, चाहे पेनक्रियाज में, लिवर में, स्टमक, इंटेस्टाइन्स में, किडनी में, क्योंकि वहां तक प्रॉपर एयर नहीं जा पाती है। हम सांस कैसे ले रहे हैं, यहीं तक आ रही है, यहीं तक जा रही है। और प्राणा, इसीलिए इसको कहा गया है। और जब इस प्राणा से हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं, जब क्राउन चक्रा से हम स्पिरिचुअली यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जब हम वहां की एनर्जीज को इन्वोक करते हैं अपने अंदर, तो हमारी पूरी बॉडी में वो एनर्जीज आ जाती है। स्मूथनेस चाहिए हमारी बॉडी के अंदर में, और वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ से होती है, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इस प्रोसेस से सारी एनर्जीज हमारे अंदर आती हैं और बाहर निकलती हैं। ज्यादा हो गया क्या, सब एकदम सीरियस हो गए यहाँ पर? थैंक नहीं, अच्छा बोल रहे हैं आप। यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, सांस लेना है ना, और इसी को ब्रेथ वर्क कहते हैं, जो हमें सबको कर हम सब करते हैं, सब सांस लेते हैं, बट उसका एक छोटा सा एक तरीका होता है, उसको फॉलो करें। अब यूनिवर्सल एनर्जीज को हम कैसे इन्वोक करेंगे, जब हम किसी भी चीज का आह्वान करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हम पूजा करते हैं, भगवान की आरती करने बैठते हैं या भगवान की पूजा करने बैठते हैं, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, भगवान का आह्वान करो, कम से कम उनको जागृत तो करो, उनको बुलाओ तो सही। तो इसी तरह से जब हम हीलिंग्स करते हैं, तो हम एनर्जीज पे काम करते हैं, तो एनर्जीज के लिए को भी हमें पहले बुलाना पड़ेगा। अब एनर्जीज को हम ऐसे तो नहीं बोल सकते, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, ऐसे आ जाओ। तो उसको हम कैसे इन्वोक करते हैं, अपने सांस के थ्रू। जब हम अपने प्राणा को ऊपर लेकर जाते हैं, तो हम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, और उनकी जो फिर वो जो एनर्जीज हमारे अंदर आती है, उससे हमारे काम होते हैं। क्लियर, फेयर इनफ, सिंपल लॉजिक है ना? अब ये एनर्जीज क्या होती हैं? हमारे शरीर के अंदर पांच एलिमेंट्स हैं, सबको पता है, एवरीवन नोज फाइव एलिमेंट्स, कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु, वायु, अग्नि अग्नि, और अग्नि। पृथ्वी, आपको आपको पता है, ये जो पांच अपने हमारी उंगलियां होती हैं, ये भी इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं, यस यस मैम यस है ना? जी। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको, चलिए मैं एक छोटा सा डेमो और देती हूँ। जब भी हमें कभी अग्नि तत्व को एक्टिवेट करना है, तो आप कौन सी उंगली को या किस चीज, कौन से उसको, पांचों में से किसको प्रेस करेंगे? मैं बताऊँ, थंब, थंब, इंडेक्स फिंगर थंब, विथ थंब, नहीं, मिडल अग्नि फिंगर। है। देखिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, थंब इज द अग्नि, ठीक है, इंडेक्स फिंगर जो है वो एयर है, हवा। ओके, चलिए मैं एक स्क्रीन भी आपको शेयर कर देती हूँ, आपको और समझने में इजी होगा वो। जस्ट एक सेकेंड दीजिए।
अच्छा इसमें मैंने पिक्चर नहीं डाल, कोई बात नहीं, उसको बाद में कर। ओके तो ये जो है ये हमारी अग्नि है, ये हमारी एयर है, ठीक है। मिडिल फिंगर क्या है? आकाश। आकाश, आकाशित, रिंग फिंगर? वाटर, पृथ्वी, नो। पृथ्वी, पृथ्वी, एंड सूर्य। अर्थ, ओ सॉरी मैम, यस अर्थ, अर्थ। और ये जो है ये वाटर। आप जल। देखो जब भी किसी को बाथरूम जाना होता है वो ये फिंगर दिखाता है ना, तो ये तो आप कभी भूल ही नहीं सकते कि वाटर एलिमेंट कौन सी फिंगर है, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा हम जब तिलक लगा, देखिए ये मैं आपको ये सब जो बता रही हूँ ना, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम यूनिवर्स से एनर्जीज को इन्वोक करेंगे तो ये सारी चीजें हमें काम आएंगी। ओके जब भी हम तिलक लगाते हैं तो हम सबसे पहले जो कुमकुम होता है या हल्दी होती है वो कौन सी फिंगर से उठाते हैं? रिंग फिंगर से रिंग बात फिंगर। करें, रिंग फिंगर। रिंग रिंग फिंगर, फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? अर्थ। अर्थ, अर्थ पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी को, है ना? इसका मतलब आप समझते हैं कि हम इंसान को, सामने वाले को बोल रहे हैं कि तुम अभी ग्राउंडेड हो, जमीन से जुड़े हो, तो इसका हम तुमको तिलक लगा रहे हैं। और फिर हम उसको ऊपर किससे बढ़ाते हैं? अग्नि के अंगूठे से, कि आगे बढ़ो, राइट? सो हर फिंगर का एक महत्व होता है। तो जब हम एनर्जीज को भी इन्वोक करते हैं ना, तो अपनी कौन सी फिंगर्स को हम लेते हैं? अभी हमें आगे बढ़ना है, हम धरती पर हैं इसलिए हम कहते हैं ग्राउंडिंग कर लो, पैरों को जमीन पर रख लो, तो काफी एक मूवमेंट हमारे अंदर स्टार्ट हो जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली ये दो फिंगर्स को यूज करते हैं, अग्नि और हवा को, राइट? इन जनरल हम यही बोलते हैं ना, इस मुद्रा में बैठ जाओ, ध्यान मुद्रा इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इस मुद्रा में बैठते हो, मिडिल फिंगर वाली में, अग्नि और पृथ्वी, सॉरी आकाश, नभ, तो आपका कनेक्शन कैसे हुआ? आकाश और अग्नि का हुआ, लेकिन यहाँ धरती कहीं नहीं है, राइट? अब इसमें अगर आप अग्नि और धरती को लेते हो तो आप इसके कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा समझिए, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। हम जनरली इस तरह से नहीं बैठते हैं, हमेशा अंगूठे को यूज करते हैं, इस तरह से भी बैठते हैं, मुद्राएं ऐसी भी होती हैं हमारी, ऐसी भी होती हैं, इस तरह से भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, या फिर पूरी खुली हो, ऐसे ही होता है ना। अब अगर आपको इनको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? सबसे बेस्ट मुद्रा पता है क्या होती है? इस तरह से बैठ जाइए। एक्चुअली इट इज अ फ्लो, नॉट द बैलेंस। बैलेंस के लिए अलग मुद्रा है, वो भी बता दूंगी। दिस इज द फ्लो ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन योर बॉडी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि राइट साइड हमारा शिव है, लेफ्ट साइड हमारी शक्ति है, दैट इज द यिन यांग एनर्जीज, है ना? तो इस तरह से बैठने से क्या होता है, हमारे अंदर प्रॉपर एनर्जी फ्लो होता है। आप टीवी देख रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर गाड़ी नहीं चला रहे हो तो ऑब्वियसली, है ना, पीछे बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, कहीं भी किसी गोष्ठी में बैठे हो, किसी बातें हो रही हैं, इन जनरल कहीं भी आप बैठे हैं, या अगर आप खड़े होके भी किसी से बात कर रहे हैं, तो आप इस तरह से अगर बात करेंगे ना, तो आपकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर पांचों एलिमेंट्स का फ्लो हो रहा है। ओके सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट मुद्रा। ओके अब अगर आपको इन इन पांचों एलिमेंट्स को अपनी बॉडी के अंदर अगर बैलेंस करना है, तो आप किस तरह से बैठोगे? दोनों में डिफरेंस है, एक है फ्लो, एक है बैलेंस। एनी आइडिया? नहीं, ये शिव शक्ति मुद्रा है। नहीं, इस तरह से,
ये बैलेंस हो गया ना, ये पांचों एलिमेंट एक साथ हो गए, सीधे तरफ भी और उल्टी तरफ भी। आपने बहुत सारे ऋषि मुनियों को ऐसे भी बैठे देखा होगा, कुछ फोटोज होती हैं जो ऐसे बैठा जाता है। मैं आज मेडिटेशन कर रही थी ना, तो ऐसे बैठी थी अचानक से। मैं कभी बैठी नहीं हूं, लेकिन आज ऐसे बैठी थी मैं। वेरी नाइस, कनेक्शन हो रही है। तो दिस मीन्स पांचों एलिमेंट आप अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस कर रहे हो, ठीक है? तो बैलेंसिंग एंड फ्लो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ? आई होप सो कुछ नया ही मिल रहा होगा यहाँ पर। मेरी कोशिश यही है बैलेंसिंग कि कुछ हर बार कुछ नया लेकर आऊं आप लोगों के लिए, ठीक है? अब और मजेदार बात, हाथों पे ही काम बात करते हैं आज। वो एनर्जी फोर्स तो हम बाद में लेते रहेंगे पूरे कोर्स में, काफी है हमारे पास टाइम उसके लिए। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए, अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, इसके ऊपर पांच शब्द लिखे हैं, पांच अल्फाबेट्स लिखे हैं, WFAST, ठीक है? ये टेक्निक है, टेक्निक एज इन ये एक जैपनीज टेक्निक है, ओके? हम जब भी कभी बैठते हैं किसी भी मुद्रा में, ठीक है, वहां पर अगर आपको जैसे बहुत ज्यादा चिंता है, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, आप ही लोग बताएं, कोई भी एक टॉपिक बताएं, चाहे हेल्थ से जुड़ा हो, फाइनेंस, एनीथिंग एनीथिंग, रिलेशनशिप, जो भी आपके मन में आए, कोई भी एक टॉपिक लीजिए, बताएं। रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप को हम एक टॉपिक लेते हैं। हाँ विजय जी बोले, आपका अनम्यूट है, कुछ कह रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है आप थोड़ा? नहीं, समझ आ नहीं, रहा है। अच्छा फिर म्यूट कर लीजिए। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कुछ कह रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ। एनीवेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू फास्ट। आप इस चीज को अगर याद रख लेंगे, बहुत इजी है याद रखने में, डब्ल्यू फास्ट सिंपल वर्ड है। अंगूठे पे हम W रख लेते हैं, इस पे इंडेक्स फिंगर पे हम F रख लेते हैं, मिडिल फिंगर पे हम A रख लेते हैं, ठीक है? हमारा जो रिंग फिंगर है उस पे हम S रख लेते हैं, और जो हमारा अनामिका है, जो हमारी छोटी फिंगर है, पिंकी फिंगर, इसके ऊपर हम T रख लेते हैं। ठीक इजी है, WFAST, ठीक है? अब हम इनको डिफाइन करते हैं। देखिए, आप लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि मैंने आपको पांचों एलिमेंट पहले ही बता दिए हैं। अब रिलेट कैसे करना, ये हमारी सारी वरीज है। सेकेंड इज एफ, एफ इज फॉर फियर, ए इज फॉर एंगर, एस इज फॉर सोरो और सैडनेस, और टी इज फॉर टू मच टेंशन, जबरदस्ती का टेंशन, अनवांटेड स्ट्रेस जो होते हैं वो होते। क्लियर? ये आपके चक्रास से भी रिलेट होगा, आपके पांचों एलिमेंट से भी रिलेट होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा वरीज हैं, आप वरी करते हो, फाइन, तो आपको क्या करना, मैं यहाँ पे आपको हीलिंग टिप भी दे रही हूँ इसके साथ साथ, कि आप क्या कर सकते हो उन चीजों को हटाने के लिए अपनी लाइफ से। ये जो है इसको आप टैप करेंगे इस तरह से, ये एक टैपिंग एक्सरसाइज भी है, या फिर आप इसको प्रेस कीजिए, सबसे बेस्ट है प्रेस कीजिए, कि मेरे रिलेशनशिप में जिस किसी भी तरह की अगर कोई वरी है, ठीक है, तो मैं अभी और इसी वक्त उसको रिलीज कर रही हूँ। सिंपल है, मेरे रिलेशनशिप में किसी भी तरह का कोई फियर है, तो मैं अभी और उसको, अभी और इसी वक्त उसको रिलीज कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरे रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरह का गुस्सा है, एंगर है, तो मैं अभी और इसी वक्त उसको रिलीज करता। सेम वे, अगर मेरे रिलेशनशिप में किसी भी तरह की सैडनेस या सोरो है, तो मैं अभी और इसी वक्त उसको रिलीज करता। छोटी, अगर मेरी रिलेशनशिप में किसी भी तरह का टेंशन है
या अनवांटेड स्ट्रेस है तो मैं उसको अभी और इसी वक्त रिलीज कर रही हूँ। इस तरह से आप इसको 3 बार 5 बार करिए, दूसरे हाथ को भी सेम वे में करिए और आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप में आपको धीरे धीरे फर्क आने लगे, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे। ऐसा लगता है ना अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल टाइप चीज है ये, कुछ ऐसे कैसे हो सकता है, अपनी उंगली दबा के ये सब कैसे ठीक हो जाएगा, राइट? लगता है ना अनबिलीवेबल कि ये कैसे होगा। आप क्या कर रहे हो, आप ये सोचो ना, आप एनर्जीज को काम दे रहे हो, आपके पांचों एलिमेंट्स को आप काम दे रहे हो, ठीक है? जो पांचों एलिमेंट्स को आप काम दे रहे हो वो आपके अंदर काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, मेरे ख्याल से सभी जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं या मेरी क्लासेस में आते हैं, सबसे पहले काम कहाँ होना चाहिए? खुद खुद पे, मैं खुद पे पे। सबसे पहले खुद पे काम करो, और जब आप इस टाइप की कुछ एक्सरसाइजेस करते हो, अपने ही हाथ, आपके पास सबके पास हाथ है, सब अपने हाथों को यूज कर सकते हैं, आप जब इन हाथों को यूज करते हो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब ये एलिमेंट्स क्लीन होते हैं, ये एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं, इनके फ्री फ्लो होने शुरू होते हैं, तब आपके पास एनर्जीज फ्री फ्लो होके आने लगती हैं। और जब वो एनर्जीज आती हैं, जब हम उन एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, तो जैसा आप डायरेक्शन उनको दोगे वो उस डायरेक्शन में जाएंगी और काम करेंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो लोग रेकी जानते हैं, लामा फेरा करते हैं, हुंकारा करते हैं, वो क्या करते हैं? एनर्जीज को इन्वोक करते हैं सिंबल्स में, और सिंबल्स जिसकी भी हीलिंग करनी है उसके ऊपर बना देते हैं, वो एनर्जीज अपना काम करने लगते हैं। यही करते हैं ना। यस मैम, अब आप ये सोचो, इन सिंबल्स को बीच में से हम हटा देते हैं, हम डायरेक्ट वो एनर्जी को लेते हैं और डायरेक्ट उसको डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो इस कोर्स में आप लोग यही सब सीखने वाले हैं कि कैसे एनर्जीज को इन्वोक करना है, ठीक है? साउंड के थ्रू, अपनी सांसों के थ्रू, अपने उच्चारण के थ्रू, ठीक है, बीज मंत्रास के थ्रू, ओके? और फिर उससे आपको हीलिंग कर। इंटरेस्टिंग? मैम ये कि जग जो बीमार है अपना, मतलब बीमार है वो भी कर सकता है अपने लिए? क्यों नहीं कर सकता? देखिए, लेटे लेटे या बीमार इंसान ये सोचे कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, उससे अच्छा तो ये बोल ले या हाँ जी इस मैम, टाइप की चीजें सोच ले, तो आधी बीमारी तो उसकी वैसे ही दूर हो गई क्योंकि उसका ध्यान हट गया अपनी बीमारी से, राइट? हाँ जी अब बताएं आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी? एनी रिव्यूज, एनी व्यूज, या एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, द फोरम इज ओपन, ताकि मैं आगे बताऊं आपको कि आप कब है, कैसे जाएंगे हम क्लासेस, कैसे करेंगे। और ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं है ये, बहुत अच्छा मजा आ रहा है मैडम, काफी मजा आ रहा है ना? थैंक यू, थैंक इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा क्लास अटेंड करके मैडम। यू, थैंक यू। ये जो एलिमेंट बहुत वाला है अच्छी ना, फाइव मैम, बहुत अच्छी, सारी तरह से एल होते अलग, बिल्कुल। एक, हाँ थैंक यू रितु। हाँ और कौन बोल रहे थे, सॉरी आई मिस्ड। फाइव फाइव एलिमेंट जो है ना, जो आपने हाँ बताया, जी हाँ, उसमें मैं एक थोड़ा थोड़ा आगे बताऊं मैं। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए, हम सब यहाँ लर्नर्स हैं। हमारा ये पांच उंगली है ना, हाँ तो दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं, तो हवाई जो होती है, जितने आकाश में फूटते हैं ना उसमें ज्यादा मजा आता है, बराबर है? तो हमने ये अंगूठा हवाई को हाँ जलाया, हवा हाँ में गया, आकाश की ओर गया, जलने के बाद में पृथ्वी की ओर आया और पानी में गिरा। बिल्कुल, वो हाँ, एनालिसिस है आपका, एनालिसिस एनालिसिस। बिल्कुल, एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। थैंक यू, चलिए।
तो आप लोगों को इसके बारे में भी बता दिया जाए, डोंट गो विद द डेट्स जो ऊपर लिखी हुई है, आई एम सो सॉरी इसके लिए, कोई दूसरा ही कुछ खुल गया, 1 मिनट। अगर किसी भी चीज में इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा या बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओ नो, नहीं, बाकी बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। एक सेकेंड, हाँ वो थोड़ा सा इश्यू आया है, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक और नया तरीका देखती हूँ, क्योंकि क्या मेरा लैपटॉप में कुछ एक स्लाइड थी वो हो नहीं रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग कि हो जाए। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, आप लोगों को सबको वेट करना पड़ रहा है इसमें। ओके मेरा थोड़ा सा व्हाट्सएप का चैट लोड नहीं हो रहा है, तो जिसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं वो मैं आपको दिखा नहीं पा रही थी। एनीवेज आई जस्ट ट्राई, अगर हो जाता है तो। अब क्योंकि मैं आपको कोर्स कंटेंट बताना चाह रही हूँ इसमें, कि आपको एक आइडिया होगा कि क्या है। जस्ट अ सेकेंड, ये तो ओके नाउ आई एम सॉर्टेड, सॉरी। कभी कभी नेट इश्यूज आ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके अगेन आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन, आप लोगों को इसका थोड़ा सा कंटेंट और क्या क्या होगा इसमें मैं आपको वो सब बता देती हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो। ओके सो हम यहाँ पर हीलिंग विथ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स करने वाले हैं, कि हम यूनिवर्स से जो एनर्जीज हैं उनको लेकर और फिर हम हीलिंग्स करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ।
ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा एनर्जाइजिंग, चक्रा क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग, ब्लॉक क्लियरिंग टेक्निक्स, जो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस आते हैं हर ऑरा चक्रा में या किसी भी तरह की लाइफ के किसी भी पाथ पर, वो आएंगी। बेसिक ग्राउंडिंग आएगा, एडवांस ग्राउंडिंग आएगा, आपका हाउस क्लेंजिंग है, हाउस एनर्जाइजिंग है, कॉस्मिक एनर्जी टेक्निक्स हैं, जो वहां से किस तरह से इन्वोकेशंस होती हैं, आपको कॉस्मिक मनी कैसे लिया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबको मनी के नाम से सबके अंदर की भाव एकदम खुश हो जाते हैं कि भाई वाह पैसा आने वाला है। बट उसपे भी मैं जाते आते आप लोगों को एक बात जरूर बोल के जाऊंगी, ठीक है, आज क्लास में कुछ मिरेकल टेक्निक्स हैं जो मैंने बनाई हैं और उन्होंने सच में मिरेकल किया है, ठीक है। नवदीप जी आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे, बाकी सबको दिख रहा है ना? मैम नहीं, ब्लैंक है मैम, नहीं कुछ नहीं नहीं दिख रहा ब्लैंक मेरा, है, तो ब्लैंक है, हम सोना स्क्रीन दिख रहा है। वाले। बताओ ना भाई, एक मिनट रुको, अच्छा फिर एक सेकेंड दीजिए, हो सकता है कोई दूसरा स्क्रीन चालू, एक सेकेंड। पीछे एक स्क्रीन स्टार्ट है ना, इस वजह से ऐसा, दो तीन है। अब ठीक हो गया। अभी देखना, यस मैम, हाँ अभी क्लियर है? जी, यस मैम, एक्चुअली पीछे दो तीन ऑलरेडी थी, इस वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा था। अभी और थोड़ा बड़ा करा है स्क्रीन, देखिए बड़ा हुआ है। मैम अगेन इट वेंट इट गॉन मैम, चला, ब्लैंक हाँ होगी तो दोबारा फिर मैम, फिर गायब हो गई। मैं, हाँ, एक मिनट। ये कल से स्टार्ट नहीं होगी, मैं आपको डेट बता दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी, तो इसमें कोर्स कंटेंट जो है वो हमारा 5 दिन का कोर्स है ये टोटल पे, ठीक है। तो 5 दिन के कोर्स में आपको ऑरा क्लीनिंग, ऑरा एनर्जाइजिंग, चक्रा, चक्रा क्लीनिंग, एनर्जाइजिंग, देन ब्लॉक क्लियरिंग टेक्निक्स, बेसिक ग्राउंडिंग, एडवांस ग्राउंडिंग, हाउस क्लीनिंग, हाउस एनर्जाइजिंग, कॉस्मिक एनर्जी टेक्निक्स, कि वहां से डायरेक्ट जो एनर्जीज हम लेते हैं उसके थ्रू किस तरह से हम अपनी वो कर सकते हैं, कॉस्मिक मनी कैसे हम इन्वोक कर सकते हैं, कि हमारे प्ला देखिए कॉस्मिक मनी का क्या मतलब होता है, कि वो पैसा जो हम सराउंडिंग में ढूंढ रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारा सराउंडिंग है वहां पर हम काम करें और पैसा कमाएं और तब हमारे पास पैसा है, लेकिन अगर हम कॉस्मिक मनी के बारे में बात करते हैं, वहां से अगर एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, तो वो जो मनी होता है वो फ्री फ्लो होता है, ठीक है। और वो जो मनी, जब वो फ्री फ्लो होता है, तो यहाँ पर जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है या हमारे आसपास जो भी चीजें हमारे हमें पैसा देती हैं, उनमें हमको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, उनमें हमें ब्लॉकेजेस नहीं आते हैं, ठीक है। फिर मिरेकल टेक्निक्स हैं, वो आपके फिजिकल बॉडी पे भी होंगी, कॉस्मिक मिरेकल टेक्निक्स हैं, ये कुछ बाइफोगेशंस हैं, इनमें बहुत सारी हैं, जैसे आपके फेस के ऊपर आप फेशियल कर सकते हो, ओके। तो आई एम सॉरी फॉर पार्लर वालों के लिए कि ये बहुत मिराकुलस टेक्निक्स हैं जो आप घर में बैठ के अपने फेशियल कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट यू कैन डू इट विद कॉस्मिक एनर्जीज, ठीक है। आप अपने कॉस्मिक के थ्रू अपने प्रोटेक्शंस कर सकते हो, इसमें एक हिमालयन आइस मेथड है, जो भी वो भी एनर्जीज के थ्रू ही है, मतलब ठंडा हिमालयन, मतलब नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो आइस है, वहां से आइस लेकर आप काम करते हो,
ग्रेस टेक्निक है इसमें, आपके चेहरे का, आपका फिजिकल जो अपीयरेंस है उसका ग्रेस के ऊपर काम किया जाता है। फिर आपके इंटरनल फ्रेज जो होते हैं, मतलब आप किस तरह से अपने बोलने के जो शब्द हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप कैसे यूनिवर्स तक पहुंचाओ, जो इंटेंशंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशंस प्रॉपर हैं और सही शब्द आप यूज कर रहे हो तो यूनिवर्स सुनता है ना। तो इस चीज को लेकर हम काम करेंगे। एक्सटर्नल फ्रेजेस वो भी होते हैं जो यूनिवर्स में हमें भेजने हैं, जो हमें अपने अंदर बोलने हैं। फिर पंचकोशा हीलिंग जो मैंने आपको बताया, पांच कोशा होते हैं उसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात करी है, तो उसको किस तरह से हील किया जाता है। फिर मैनिफेस्टेशंस कैसे करनी है, ठीक है। और फिर है एडवांस हीलिंग टेक्निक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मेडिटेशंस के थ्रू भी होती हैं। और मतलब आप कहीं भी बैठे हो और इन टेक्निक्स को आप यूज कर सकते हो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। क्लियर? चलिए, ये 28 जैन से, दैट इज नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, 5:30 PM। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, तो हमारी 5 क्लासेस होंगी टोटल, सैटरडे संडे 28, 29, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे, और फिर उसके बाद सैटरडे होगी। लेकिन अगर इन केस किसी को कुछ डाउट है तो वो संडे को भी हम ले सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, मैम 5 डेज का नेक्स्ट सिक्स डेज हो सैटरडे इज जाएगा। 27th मैम, पार्डन? नेक्स्ट सैटरडे इज 27th। हाँ, तो वो लिखने में गड़बड़ हो गई होगी, सो आई विल जस्ट चेक कि 27th है या 28th है, जो भी एनरोल करेगा उसको वो डेट मिल जाएगी। ओके, लाइव क्लासेस होंगी आपको, जूम पे होगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ठीक है। और प्रैक्टिकल केस स्टडीज आप लोगों को मैं काम दूंगी करने के लिए, और उसके रिजल्ट्स आप खुद मुझे बताओगे कि आपको कहाँ कहाँ किस किस चीजों में फर्क पड़ा है। ओके, आपको नोट्स मिलेंगे, इसका PDF मिलेगा, ठीक है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इज इट ओके? नाउ इसका फीस क्या है? जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अभी तक एकेडमी में नहीं एनरोल्ड हैं, न्यू पार्टिसिपेंट्स हम उनको कहते हैं, न्यू स्टूडेंट्स कहते हैं, तो उनके लिए फीस स्ट्रक्चर है 2107, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं अकेडमी के उनका फीस स्ट्रक्चर रहेगा 1579। ओके, आप बैंक डिटेल्स हैं, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, जो बैंक स्क्रीन है उसको, वैसे मैं नंबर्स बोल देती हूँ, स्क्रीनशॉट, और आप पेमेंट जब भी करते हैं तो 9999119519 पे, या 7982552301 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपकी क्वेरी है आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, अकाउंट नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आपको बैंक अकाउंट बैंक ट्रांसफर्स करने हैं तो यू कैन डू इट एज वेल। इज इट ओके? यस मैम, तो सब चीजें आपके सामने हैं, इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैम वन थिंग, आफ्टर हाँ बोलो, क्यों लर्निंग दिस कैन वी टीच इट दिस टू अदर्स? नहीं, आपको PDF दे दूंगी, आप उसमें देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं बोलती कि जो यहाँ पढ़ा है या जो सीखा है आपने, आप सिर्फ वो ही बताओ, आप उसमें और अपना भी डालो, कुछ इनोवेशंस हो सकता है, आपको कुछ अलग टेक्निक एकदम समझ आ जाए कि भाई इसको ऐसे भी किया जा सकता है, तो व्हाई नॉट इनपुट इट, राइट, है ना। ये ओके ओके टेक्निक्स हैं, अभी आपको ब्रेथ वर्क है, अभी सांस लेना आपको एक प्रोसेस समझ आ जाएगा, तो आप सबको ये बात सिखा सकते हो ना, इन जनरल भी आप सिखा सकते हो, अपने घर में भी सबको सिखा सकते हो, राइट। तो इसमें सिर्फ ये जो टॉपिक्स हैं वो हैं अपनी जगह, बट इसमें और भी बहुत सारी कुछ कुछ चीजें आएंगी। हाँ जी देवेंद्र जी, ओके, ठीक है। हाँ मैम, ये जी खुद बोल। को, हीलिंग के साथ साथ दूसरों को भी हीलिंग कर सकते हैं ये कंप्लीट होने के बाद? बिल्कुल कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी सब, डिस्टेंस हीलिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, अच्छा, इसमें है क्या डिस्टेंस हीलिंग का? वो मैं आपको बता दूंगी। मेरे यहाँ, ओके मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन कभी होता नहीं है, ठीक ओके मैम, थैंक है। यू। और हाँ जी, ये जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी हैं यहाँ पर, वो भी बता पाएंगे कि
देखिए, नॉलेज है, नॉलेज यूनिवर्सल है, वेदों से आई हुई है। ये है कि मैंने पहले सीख लिया, अब आप सीख रहे हो, बस डिफरेंस इतना ही है ना? तो नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है कभी भी, जो जिसको हाँ आता है वो दे दो, यस, ठीक है ना? थैंक यू मैम, आई हैव लर्न्ड लामा फेरा एंड हुंकारा विथ हलीम मैम. इट्स ओके, मेकिंग वंडर्स इन ग्रेट। माय क्लाइंट्स मैम लाइफ एंड सेम, ऑल्सो इन माय पर्सनल लाइफ ऑल्सो. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम हम भी बहुत आपके अच्छी मॉडलिटीज है। हाँ मैम बहुत जी, अच्छे क्या बोल पुराने रहे हो? मैम मैं हम भी पुराने मैम अब तक से जुड़े हुए डेली, तो फिर मैम बता ही रही हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। बहुत अलग अलग चीजें सिखाती हैं, जो नहीं भी होता वो भी सिखा देती है मैम, तो कि यही बता रहे हैं सबको। तो हम तो लाइव मैम के वो है कि मतलब पूरे अच्छी तरह से मैम के साथ। कंप्लीट मैम के और भी कोर्स मैम, वो सिग्नेचर एनालिसिस करवाया था आपने, वो भी मैम, और भी होते बहुत सारे। तो मैम अभी ये भी कोशिश करती हूँ हैं मैम ये भी यार. ज्वाइन करने। बिल्कुल कीजिए, और आगे और भी कोर्सेज आएंगे छोटे बोर्ड. देखिए, चीजें ना बहुत सारी सीखने को है, अच्छा, मुझे पहले बहुत बता. वास्ट है नॉलेज, तो जहां से जो मिलता है ना वो सीख लेना चाहिए. आपको नहीं ओके पता ओके, कौन हाँ सी चीज आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, और आप किसकी लाइफ में कितना डिफरेंस पैदा कर सकते हो या ला सकते हो. सॉरी, पैदा नहीं, ला सकते हो. मैम हमारी तो खुद राइट? ही लाइफ चेंज हो गई है आपकी मैम लामा फेरा ज्वाइन करने के बाद। मैम बहुत चीजें अच्छी हो गई है मैम, बहुत ही अच्छा लगता है अब तो वेरी मैम सब। नाइस, थैंक यू वेरी मैम, नाइस, गॉड थैंक ब्लेस. यू भावना सेम है मैम, जी. हाँ जी, बहुत बहुत दिनों अच्छा बाद लग रहा देखा आपको. है मैम आपको देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है आज मिलकर। आज ठीक अलग अटायर में है हम. है मैम, आज मेरी मैम तबीयत भी खराब थी थोड़ा, लेकिन हमने कहा ज्वाइन तो जरूर करूंगी कैसे भी, और ठीक भी बिल्कुल हो गए बिल्कुल, प्लीज. आपको देख, एकदम ठीक हो गए। थैंक यू, थैंक यू. और किसी को कुछ कोर्स से रिलेटेड कुछ बात करनी है तो प्लीज आप कर सकते हैं. किसी को कुछ और कहना है, कोई और बात करनी है, तो फोरम अभी हमारे पास है, और 7:15 तक वी आर हियर. हाँ मैम मुझे कुछ पूछना है, जो जी, न्यू बोलिए. पार्टिसिपेंट्स है, एक तो जो फी स्ट्रक्चर है उनके लिए ज्यादा क्यों है, इसका कोई रीजन जी, आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं एकेडमी से, है है? यस मैम, ना? इसी वजह से जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, जब वो पहली बार जुड़े थे तब भी उन्होंने फर्स्ट टाइम यही दिया था, उसके बाद से फिर उनका फी स्ट्रक्चर कम हो जाता है. ओके। इट इज मैम टाइप जो ऑफ, हम अब इसको एक तरह से कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इन द अकेडमी. ठीक ओके, है, बिकॉज आप अगर उसको इस तरह से देखें कह तो, सकते हाँ जी, हाँ हैं. हाँ जी, बोले. या मैम, अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है किसी को, जैसे सपोज मतलब कुछ भी क्रॉनिक इश्यू है, हेल्थ इश्यू, या अगर अर्थराइटिस है सपोज, तो उस केस में जैसे ये 5 डेज का जो कोर्स रहेगा, उसके बाद वो पर्सन अपने लिए कितनी हीलिंग कर सकता है, मतलब किस लेवल तक वो बेटर फील कर सकता है? अगर कोई देखिए, बेड पे है, किसी को सेवियर अर्थराइटिस का कोई केस है, या कोई कैंसर पेशेंट हो उस टाइप का, मतलब कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो बेसिकली, तो आफ्टर 5 डेज वो कितना इम्प्रूवमेंट अपने अंदर फील कर सकता है? देखिए 5 डेज के बाद तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही 5 डेज चलने वाला है सीखने का. ओके, दूसरी चीज ये है, जो हीलिंग्स होती है, एनर्जीज होती है, वो आपके इंटेंशन पे काम करते हैं डियर. ओके ओके, तो जैसा आपका मन होगा, जिस तरह से आप उस चीज को परसीव कर रहे हो चीज को, ठीक है, जिस तरह से आप इंटेंशन डाल रहे हो, उसके ऊपर उसके टाइम फ्रेम जो होता है वो होता है. कभी कभी क्या होता है, इमिजिएटली अगर आपका बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव इंटेंशन है, एंड इमिजिएटली इट वर्क्स. मैंने देखा है, इमिजिएटली अगर कभी कहीं पेन है और वो कॉस्मिक एनर्जी से हमने इन्वोक करके उसको हील किया है, इमिजिएटली पेन में रिलीफ होता है. ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का हमने यहाँ पे लाइव भी डेमो किया हुआ है. पहले किसी को कहीं तकलीफ हो रही है, इमिजिएटली उसको हील किया है मैंने, कई बार किया है, उसी वक्त इमिजिएटली हेलो, फर्क पड़ता है. लेकिन उसको आप कंटिन्यू करोगे तो हेलो, आपको वो रिलीफ देगा लॉन्ग टर्म. हाँ हेलो, जी, कोई आपने बहुत क्लास अच्छा में बात बताया कर मैडम, रहे हैं या अपना पर्सनल बात कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा बताया मैडम. थैंक यू सर जी, थैंक यू. आइए आप फिर कोर्स में.
ठीक है, और भी थैंक यू। जान और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जानने के लिए। अभी तो मैंने कहा ना सिर्फ एक टिप जैसी है ये, जब आप करेंगे अपने अंदर महसूस करेंगे उन चीजों को, उन चीजों का फर्क आपको दिखेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी हनविता, राइट? यस मैम। हाँ जी। देखिए क्या होता है, जो हमको इस टाइप की बीमारियां होती है ना, जो लोगों को होती हैं, जिनको हम साइकोसोमेटिक डिजीजेस बोलते हैं, राइट? राइट। हर एक के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। कुछ चीजें एक्वायर्ड होती हैं और कुछ चीजें आपके कर्मों के द्वारा आपके पास आती हैं, ठीक है? कैंसर, हर इंसान के अंदर कैंसर सेल्स हैं, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों के अंदर ही क्यों एक्टिवेट होते हैं, उसका एक रीजन है, ठीक है ना? राइट। हाँ तो हम जी। क्या करते हैं, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई तकलीफ है या आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हो, तो उसके सोर्स तक जाओ कि ये आपको प्रॉब्लम हुई क्यों है। उस टाइम पर जाओ जहां पर आपको ये स्टार्ट हुआ है, आपको समझेगा कि किसकी गलती थी। क्या आपने खुद ओके। मैनिफेस्ट किया है? ठीक है, भगवान हमेशा सबको कर्मा के साथ भेजता है, बस। अब वो कर्मा आप खत्म कर रहे हो या उस कर्मा में और बढ़ोतरी कर रहे हो, ये आपके हाथ में, ये आपका विवेक राइट। है ना? हाँ ठीक है ना? जी। तो हाँ इन्हीं जी। चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हमें धीरे 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 काम मतलब हर चीज में फर्क देने लगे, ठीक है ना? ओके। एंड मैम, वेरी क्या नाइस। हमें आज के सेशन की भी रिकॉर्डिंग्स या पीडीएफ वगैरह मिलेगा जो आज किसका, वापस वेबिनार बोले? में? हाँ हाँ जी, जी अभी बिल्कुल, ये हमने वेबिनार वेबिनार आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, ओके ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, कंप्लीट वेबिनार मिलेगा, ओके थैंक यू है ना? मैम। मुझे कुछ पूछना था हाँ भावना जी बोले। मैम, जैसे ये साइकोसोमेटिक डिजीज हो गई, तो इसके लिए कर्मा कैसे हम लोग हील करेंगे? ये थोड़ा लामा फेरा से तो मैंने थोड़ा सा हीलिंग की कोशिश की है मैम किसी का, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। टाइम लगता है, कर्मा इतना इजी थोड़ी है कि पता नहीं कितने सालों से, कितने जन्मों से इकट्ठा करते हुए आ रहे हो और बस 5-6 हीलिंग में आप सोचते हो सब साफ हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, थोड़ी मेहनत करो। जैसे वो पेशेंट को क्या करना चाहिए? वो तो जैसे मैंने अपनी कोशिश करी, पर वो पेशेंट कैसे ठीक हो सकते हैं? थोड़ा सा देखिए मतलब सबसे उनको कर्मा। पहले तो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सामने वाला ठीक होना चाहता है और जब आप उसको हीलिंग दे रहे हो, तो वो हीलिंग डबल काम करेगी। अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस है, अगर वो विक्टिमाइज रहना चाहता है, ठीक है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको ठीक नहीं कर सकती, वो चाहे कितनी मेडिसिन्स ले ले। मैम मुझे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन ये कर लें, उनको ये दान देने से उनको फायदा होगा, मुझे जैसे अपनी इंट्यूशन हो रही ठीक है, है, लेकिन कॉलिंग मैम आई ये हम। सुनना नहीं चाह रहे हैं तो कैसे अब करें? देखो जवाब आपके पास खुद है, इस आपकी ही बात का रेजिस्टेंस है ना वहां पर, तो कैसे होगा ठीक? मैम फिर अंदर से उसमें फील होता है कि वो ये कर दें तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जैसे वो इसमें स्ट्रक है एनर्जी उनकी कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैम कुछ बताइए ऐसा कैसे ठीक करें? देखिए चलिए, जब हम बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। हाँ, आउट ऑफ द सिलेबस, बच्चे कहते हैं ना एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस आया, मुझे नहीं बड़ा मैम, मेरा आपसे अच्छा। मैम बस एक एक गुरु का एक शिष्य से बस थोड़ा सा ज्ञान लेना है। चलिए चलिए ठीक है, कोई नहीं। देखो क्या होता है, जब इंसान रेजिस्ट करता है और आपको कॉलिंग आ रही है कि आप ये करने से इसको ये फायदा होगा, जी ठीक है, तो उसके हायर सेल्फ से बात करो। इन मेडिटेशन मैम। ऑब्वियसली ये इतनी टेक्निक्स जो हम सीख रहे हैं, मोडेलिटी सीख रहे हैं, वो किस लिए सीख रहे हैं? ताकि हम अपना कनेक्शन यूनिवर्स से लगा सके, वहां पर बात कर सके, राइट? यस मैम। जब आपकी कनेक्शन वहां होती है और जब आपका वहां पर होता है, तो आप सामने वाले के हायर सेल्फ से परमिशन ले सकते हैं। ठीक
मतलब ही कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग इन माई मेडिटेशन, आई हैव टू आस्क टू द गॉड। हाँ जी क्या बोल रहे हैं, सॉरी। मैम जैसे मैं मतलब मैं अपने मेडिटेशन में ये हायर सेल्फ से मांगू, प्रार्थना करूं कि मेरी फीलिंग उनके तक पहुंच जाए। बिकॉज देखो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आपको फर्क पड़ रहा है किसी भी मतलब एसोसिएट की प्रॉब्लम से, आपकी लाइफ पे इफेक्ट आ रहा है, तभी आप उसके हायर सेल्फ से परमिशन लोगे, क्योंकि वो आपको इफेक्ट हो रहा है। जी ठीक है, अभी अगर हम किसी भी नेता या अभिनेता की बात करें, उनकी किसी भी प्रॉब्लम से आपको इफेक्ट नहीं हो रहा है डायरेक्टली, तो आप उनको हील क्यों करोगे, भले आप उनके फैन क्यों ना हो। मैम एक्चुअली द पेशेंट इज माय फादर। आई गॉट इट, आई गॉट इट, लेकिन उसकी वजह से आपको क्या इफेक्ट हो रहा है, पहले आप उसको समझने की कोशिश करो। आपको उनकी प्रॉब्लम से जो इफेक्ट हो रहा है, उस चीज को आप हटाने के लिए अपने अंदर से, फिर उनके हायर सेल्फ से आप ले सकते हो परमिशन, क्योंकि आपको इफेक्ट हो रहा जी मैम बहुत कुछ समझ में आ रहे हैं, लेकिन मैम वो समझ नहीं पा रहे हैं। है। कोई बात, कर्मा भी तो होता है ना, और जो मैम चीज जो मेरे और होगी उनका होगी, ही होगी कुछ होगी। कर्मा क्लियर स्ट्रक है मैम, वो भी मुझे मालूम है। करिए, हीलिंग्स दीजिए, ऑरा चक्र क्लेंस कीजिए डेली बेसिस पर, डिस्टेंस से आपको पता है कैसे करना जी। है ना। डिस्टेंस मैम डिस्टेंस हीलिंग मैं उनको दे दूँ? ओके मैम, थैंक है, यू थैंक सो मच। ओके मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम। यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। चलिए फिर, एनीथिंग एल्स। मैम वन मोर क्वेश्चन, सिंस आई एम न्यू टू ऑल दिस थिंग, ऑल दिस, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब, ये वाली लाइक मोडालिटीज की, लामा फेरा हाँ एंड ऑल, थोड़ा नाम सो बताएंगे प्लीज, क्योंकि मुझे ना फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन बोल रहे हैं। सॉरी हनविता, हनविता, ओके फाइन, दिया बोलिए। आप लोग थैंक वीडियोस यू। ऑन कीजिए ना, तो अच्छा लगेगा थोड़ा इंटरेक्शन में, इफ इट्स पॉसिबल। अगर नहीं है पॉसिबल तो समझ आता है, बट है तो प्लीज कीजिए। हाँ जी बोलिए। श्योर, हाँ जी। तो मैम मुझे पूछ रहे हैं कि आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स, सो विल वी बी एबल टू हील ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ, मतलब सारी एरियाज में, हम बीट फाइनेंस, बीट हेल्थ, बीट रिलेशनशिप, सब एरियाज में हम लोग हीलिंग कर सकते हैं हाँ कोई जी, भी आप इश्यू हीलिंग को। हर जगह कर सकते हो, रिजल्ट आपके इंटेंशन के ऊपर है, आपके फेथ के ऊपर है, आपके बिलीफ के ऊपर है, हर मोडेलिटी में यही ओके है राइट ना। प्रोसेस हम सिखा सकते हैं आपको, हम आपको ये भी बता सकते हैं कि किस तरह से आपको इंटेंशंस डालनी है, किस तरह से इन्वोकेशंस करनी है, एवरीथिंग वी कैन टीच यू। ठीक है, लेकिन जब आप करने बैठते हो उस टाइम पर आपके मन स्थिति क्या है, आप किस तरह से इंटेंशंस डाल रहे हो, आपकी क्या, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों ने वो 3 इडियट्स तो देखी है सभी ने, है ना। हाँ उसमें जी वो क्या बोलता है कि अगर मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूंगा और अगर मेरे हाथ कांप रहे हैं तो वो 100% अनसक्सेसफुल होना है। तो राइट बेसिकली अगर आप इमोशनली किसी से जुड़े हो और आप उस वक्त उसकी हीलिंग कर रहे हो, तो उसके 100% चांसेस हैं कि वो अनसक्सेसफुल होगा। ओके ठीक है, क्योंकि हम जब भी इन्वोक करते हैं एनर्जीज को, तो हम एक माध्यम बन के करते हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हम एक चैनल हैं। राइट और जब हम चैनल बनते हैं तभी हमारे ऊपर एनर्जीज मतलब हमारे अंदर आती हैं और हम काम कर सकते हैं, राइट। राइट थैंक यू मैम। और बताएं, एनीथिंग एल्स, कुछ और पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो? ओके राजेंद्र जी, थैंक यू, आइए। डेली बेसिस पर आप अपना घर क्लीन कर रख सकते हो, जितनी भी हम कहते हैं ना कि कोई इंसान आपके घर में आके गया है ना, और आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो उस वक्त आप क्या करते हो?
आपके घर में ना चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन सब आता है, आप किसी और पे चिल्ला दोगे, गुस्सा आने लगेगा, होता है ना ऐसा, राइट? तो ऐसी चीजों को कैसे रिमूव करना है डेली बेसिस पर, वो सब मैं आपको कोर्स में बताऊंगी। ठीक है? जी मैम, और बताइए, और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो हम, एक आपने बताया था ना, ऋषि साल्विक जी थे, वो जो मंत्र थे 300 साढ़े 300, हाँ उसका जी, कोई कोर्स वगैरह कराएंगे क्या आप? कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे। तो हाँ जी बताना जरूर मेरे। रश्मि जी, मैं बता देती हूँ, एक सेकंड परवीन जी, एक सेकंड दीजिए मुझे प्लीज, मैंने स्क्रीन पे दोबारा शेयर किया है रश्मि जी। हाँ जी, मेरा अभी तो नहीं है ग्रुप पे, बट मैं चैट में डाल देती हूँ, यू कैन टॉक, नो इश्यूज। ये जूम ऑनलाइन पे है या एवरीवन पे, मैं डाल देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बात कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, आप बात कर सकते हैं, अगर उस पे नहीं है बाय चांस ग्रुप में, चैट में नहीं है तो। ओके, और रश्मि जी अमाउंट है, अगर आप पहली बार एकेडमी से जुड़ रहे हैं तो अमाउंट है 2107, और अगर आप एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट हैं, मतलब ऑलरेडी एकेडमी के स्टूडेंट हैं, एक आध कोर्स आप कर चुके हैं, तो आपके लिए एनर्जी एक्सचेंज होगा 1579। इज इट क्लियर? स्क्रीन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नंबर्स दिए हुए हैं और अकाउंट नंबर्स भी हैं, कंसर्न पर्सन्स भी हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। हाँ परवीन जी, सॉरी, आप क्या बोल रहे थे, दोबारा बोलेंगे प्लीज। शाल्विक का पूछ रहे थे, हाँ जी देखेंगे आगे, इन फ्यूचर है, प्लान्स हैं, जी, उसी के अभी बारे डेट में फिक्स था, नहीं जब हुई है। कराएं तो हाँ बताना जी मैम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो सब एलिजिबल हो, जिन्होंने लामा फेरा किया है वो सब एलिजिबल हो। जी थैंक यू मैम। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? नहीं तो हम अपनी मीटिंग यही समाप्त करते हैं। मैम, जैसे कि मैं अभी रेकी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं भी कर सकती हूँ, मतलब वैसे कि कोई एलिजिबिलिटी, लामा नहीं फेरा नहीं तो मैंने किया नहीं है। नहीं नहीं वो लामा, वो जो परवीन जी बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, ठीक है हाँ ना, जी, वो थोड़ा सिंबॉलिक हीलिंग के बारे में बात कर रहे थे, और कर सकते हैं, ये जनरल हीलिंग चीजें हैं जो मैं इस पे कोर्स में करा रही हूँ ना, ये बहुत जनरल है, ये हर कोई कर सकता है। अगर आप किसी बच्चे को भी बोलो, सिखा दोगे ना, वो भी कर सकता है, तो वो भी अपनी छोटी छोटी चीजें अपने आप ही सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। ओके अभी जैसे टीनेजर्स को बहुत काम आती हैं ये हीलिंग्स, पिंपल्स हो गए हैं, ये प्रॉब्लम है, स्किन ब्लिमिशिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, कहीं पर दर्द हो रहा है, इमिजिएटली यू नीड टू यू नो जस्ट उसको रिलीफ देना है, दांत में दर्द है, हाथ पैरों में कहीं दर्द है, यू नो हर चीज में इस इन जो ये टेक्निक्स है इनको यूज कर सकते हैं आप। क्लियर? हाँ जी, थैंक यू और बताइए, मैम। एनएलपी कब आप स्टार्ट करेंगी? बात वी आर वेटिंग फॉर दैट। करते हैं एकेडमी में, बात करते हैं, एनएलपी भी लेकर आते ओके मैम, हैं ना। चलिए, एनीथिंग एल्स इफ एनीवन वांट्स टू नो, या कुछ बात करना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे। रिकॉर्डिंग जितना बड़ा होगा, आप लोगों को, जिन लोगों को देखना है उनके लिए और बढ़ता जाएगा वो फिर, ठीक है। तो विदा लें आपसे सबसे, 28 तारीख को मिलेंगे आप लोग को, मैं चाहूंगी आप लोग सभी आए, ये छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ के लिए,
बहुत इजी भी हैं, और एक बार सीख जाएंगे तो काफी चीजें अपनी खुद ही सॉल्व करते रहेंगे, डेली बेसिस पे कहीं भी बैठ के आप कर सकते हो, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, है ना? ठीक है, आप सबको आत्मा नमस्ते, टेक केयर, गॉड ब्लेस, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते आत्मा जी, नमस्ते मैम, आत्मा थैंक यू, नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते जी, थैंक यू।